पास्ट परफेक्ट, पास्ट का मतलब सेकंड फॉर्म बेटा, परफेक्ट का मतलब क्या बताया था, थर्ड फॉर्म, परफेक्ट का मतलब थर्ड फॉर्म, पास्ट का मतलब सेकंड फॉर्म। यहां तक हमने कल सीखा, कल की क्लास में सीखा ना, परफेक्ट यानी थर्ड फॉर्म, पास्ट यानी सेकंड फॉर्म। और कल ये भी सीखा कि दो फॉर्म एक साथ नहीं आती, और कल ये भी सीखा कि थर्ड फॉर्म अकेली नहीं आती भाई, उसको तो बॉडीगार्ड चाहिए। कौन थे थर्ड फॉर्म के बॉडीगार्ड? हैज हैव हेड, हैज हैव थी फर्स्ट फॉर्म, हेड इसकी सेकंड फॉर्म, और हेड ही थर्ड फॉर्म। समझ रहे हो? अब थर्ड फॉर्म कह रहा है मुझे तो इनमें से कुछ चाहिए, और पास्ट कह रहा है मुझे तो सेकंड फॉर्म चाहिए। ध्यान से सुनो, थोड़ी अलग चीज है, पर ऐसे सीखोगे तो इंग्लिश मैथ्स की तरह पढ़ोगे। थर्ड फॉर्म कह रही है मुझे तो इनमें से कोई चाहिए, मैं अकेली नहीं आऊंगी जी, मैं डरपोक फॉर्म हूं, मेरे को मेरे बॉडीगार्ड चाहिए साथ में। और सेकंड फॉर्म अपनी जिद पे अड़ी है, भाई पास्ट का तो मतलब सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म तो मुझे चाहिए ही चाहिए। अब इन दोनों की सहमति बन जाए, इसलिए इस टेंस में किसको उठाया गया, यहां से हेड को। और स्ट्रक्चर क्या तैयार हुआ पास्ट परफेक्ट का? हेड प्लस थर्ड फॉर्म। स्ट्रक्चर क्या तैयार हो गया बेटा? हेड के साथ थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म कह रहा है परफेक्ट और हेड कह रहा है पास्ट, क्योंकि पास्ट का मतलब सेकंड फॉर्म होता है, और थर्ड फॉर्म कह रही है मुझे इनमें से कुछ चाहिए। तो दोनों की सहमति कौन से पे बन गई? हेड पे बन गई बेटा। इसलिए इस स्ट्रक्चर में क्या यूज होता है? हेड के साथ थर्ड फॉर्म। और मतलब मैं आपको कल सिखा के चली गई थी, पास्ट परफेक्ट का मतलब कोई ऐसा काम जो पास्ट में ही खत्म हुआ, दैट इज पास्ट परफेक्ट। सेकंड फॉर्म का मतलब हो गया, बहुत बार बच्चे ना सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट में भी कंफ्यूज रहते हैं। सिंपल पास्ट का मतलब भी पास्ट में हो गया काम, और पास्ट परफेक्ट का मतलब भी पास्ट में काम हो गया, इसलिए बच्चा कंफ्यूज होता है। तो अब हम कैसे चुनेंगे मैम? जब भी इसका क्वेश्चन आता है ना, दो एक्शंस के साथ आता है, तो दोनों में से जो पहले हुआ होता है ना वो पास्ट परफेक्ट, और दोनों में से जो बाद में हुआ होता है वो सिंपल पास्ट। समझ रहे हो? दो काम पास्ट में हुए, तो दोनों में से कोई तो पहले हुआ होगा, वो पास्ट परफेक्ट से दिखाते हैं, और जो बाद में हुआ वो सिंपल पास्ट से दिखाते हैं। जैसे मेरे घर जाने से पहले मेरी खबर पहुंच गई थी, समझ रहे हो? मेरे घर जाने से पहले मेरे बारे में खबर पहुंच गई थी, तो हेड मेरे जाने से पहले ही खबर पहुंच गई, तो काम पहले हुआ खबर पहुंचने का, फिर मैं पहुंची, पहले खबर पहुंची फिर मैं पहुंची, तो खबर पहुंची हेड थर्ड फॉर्म में, मैं पहुंची सेकंड फॉर्म में। समझ गए क्या कह रही हूं? तो जब भी इस तरीके से आएगा ना क्वेश्चन, तो यूं ही चले, आई हैड डन दैट। अब हेड के साथ कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। हैड यानी पास्ट और डन यानी परफेक्ट। वर्ब की मदद से टेंस पहचानो ना, हैड यानी पास्ट और डन यानी परफेक्ट, तो टेंस अपने आप बन गया पास्ट परफेक्ट। रट्टा मारने की कोई जरूरत ही नहीं है, लॉजिक से पढ़ो, पास्ट परफेक्ट।